हेलो फोक्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द 23 राइड्स चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे मोटरसाइकिल टूरिंग स्टार्ट करने में। मैं जब भी किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाता हूं, एक क्वेश्चन सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तू इतनी दूर 800-900 किलोमीटर बाइक पे कैसे जा सकता है? हम लोग तो गाड़ी पे भी जाने से पहले सोचते हैं, तो बाइक पे कैसे पॉसिबल है? थकता नहीं है क्या? कैसे प्लान करते हो इस चीज़ को? कहीं ना कहीं वो लोग बाइक पे ये ट्रिप्स करना चाहते हैं, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बाइक पे रोड ट्रिप करने की। और अगर आप ऐसे ट्रिप्स करना चाहते हो तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग चीज़ें मैंने जो सीखी हैं पिछले 3 साल में लंबे रोड ट्रिप्स करके, जो आपको हेल्प करेंगे मोटरसाइकिल टूरिंग स्टार्ट करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू रियली नीड इज द बाइक यू सिलेक्ट। सो कई लोग कहते हैं कि बाइक मैटर नहीं करती, आपको जहाँ भी जाना हो आपकी हिम्मत मैटर करती है, राइडर में जान होनी चाहिए बाइक चलाने के लिए, लंबे डिस्टेंसेस करने के लिए। आई एग्री टू इट टू सम पॉइंट, बट आई वुड से अगर आपको क्लियर है कि आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने हैं तो आपको ऐसी मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए जो एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हो, जिसका पॉस्चर सूट ना करे लॉन्ग राइड्स करने के लिए। बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है जो RC 390 या यू नो यामाहा ऐसी बाइक्स पे करते हैं लॉन्ग ट्रिप्स, बट 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दिन में करने के बाद, ट्रस्ट मी, ऐसी पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल्स पे भी थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। तो इमेजिन करो स्पोर्ट्स पॉस्चर और कमिटेड मोटरसाइकिल्स पे क्या हालत होती होगी। ट्रस्ट मी, 800-900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दिन में करना आसान नहीं होता। रिस्ट पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, एल्बोज पे, शोल्डर पे, बैक पे भी स्ट्रेन पड़ता है। तो ओवरऑल जो आपका राइडिंग पोजिशन होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेरी सूटेबल फॉर लॉन्ग ट्रिप्स होनी चाहिए। इसलिए जो मोटरसाइकिल लो सोच समझ के लो, समझ के कि आपको क्या करना है उस पर। और अगर आपके पास पहले से ही ऐसी मोटरसाइकिल है जो थोड़ी सी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, एडवेंचर टूरिंग या लॉन्ग टूर्स के लिए नहीं बनी है, देन उसमें थोड़े बहुत ऐसे मॉडिफिकेशंस करवाओ जिससे आपकी जो लाइफ ऑन द रोड हो बेटर और थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। जैसे मे बी सीट की कुशनिंग थोड़ी सी बेटर करवा लो, हैंडल बार्स को थोड़ा सा रेज करवा लो। सो वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके आप अपने ट्रिप्स को थोड़ा सा और कम्फर्टेबल बना सकते हो। एंड जो भी बाइक चूज़ करो लंबे ट्रिप पर जाने के लिए, इट शुड बी वेल सर्विस्ड बिफोर द ट्रिप। अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए वो मोटरसाइकिल, उसके टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, जो बहुत एसेंशियल स्पेयर पार्ट्स हैं उनको कैरी करो। कहीं ऐसा सिनेरियो ना हो कि आपकी कोई हेल्प रोड पे करना भी चाहता हो, आपकी बाइक ख़राब हो, बट आपके पास वो टिपिकल पार्ट्स ना हो बाइक के जो हर जगह मिलते हो। और टूल्स और स्पेयर्स की बात कर रहा हूँ तो अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक की स्पेयर की अपने पास हमेशा रखो। अगर मेन चाबी आपकी गुम गई बाइक की तो आपकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो मे बी आपके साथ जो आपका राइडिंग पार्टनर है उसको दे दो अपनी बाइक की चाबी। सो नंबर टू टिप, इन्वेस्ट इन द राइडिंग गेयर। हेलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, आप विदाउट हेलमेट तो जाओगे नहीं। मेरे को नहीं लगता कोई इतना यहाँ पे बेवकूफ़ इंसान है जो लॉन्ग ट्रिप पे भी विदाउट हेलमेट जाने की ट्राई करेगा। बट जो हेलमेट आप चूज़ करो दैट शुड बी अ गुड हेलमेट। मैंने लोगों को देखा है जो रॉयल एनफील्ड पे रोड ट्रिप्स करते हैं लंबे लंबे, वो लोग हाफ हेलमेट यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे, विच इज़ आई बिलीव वेरी वेरी अनसेफ टू यूज़। आई मीन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर्टिफाइड फुल फेस्ड हेलमेट्स यूज़ करने की, और हाफ फेस हेलमेट यूज़ करना तो बिल्कुल भी कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता। पूरा नीचे वाला आपका लोअर पार्ट ऑफ द फेस इज़ अनकवर्ड। दूसरा, आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे सबसे बड़ा इश्यू होता है, आपको बहुत देर तक मोटरसाइकिल पे बैठना होता है, दिन में 10-12 घंटे मोटरसाइकिल पे बिताने होते हैं। उस पर अगर आपको पूरे टाइम फेस पे हवा लगती रहे, गर्मियों में तो हवा अच्छी लगे बट साथ में डस्ट भी आए, सर्दियों में आपको साथ में फॉग के कारण और सर्दी लगती है। सो आई वुड से इन्वेस्ट इन अ फुल फेस हेलमेट। अगर आपको कंफर्टेबली 10-12 घंटे मोटरसाइकिल पे बिताने हैं तो फुल फेस हेलमेट पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ राइडिंग गियर पे इन्वेस्ट करो, अच्छी राइडिंग गियर पे। लोगों को देखा है मैंने, लोग राइडिंग गियर पे पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाइक महंगी खरीदते हैं बट राइडिंग गियर पे पैसे नहीं खर्च करते। सो आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ट्रिप्स पे। आप रोड पे अपने घर से बहुत दूर हो जाते हो, आप 800-900 किलोमीटर अपने घर से दूर हो, 1500 किलोमीटर अपने घर से दूर हो, सो हेल्प आपके लिए बहुत दूर है। सो इसलिए अच्छी राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करो, राइडिंग पैंट्स में इन्वेस्ट करो, राइडिंग जैकेट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर राइडिंग बूट्स लो, और अच्छी हेलमेट में इन्वेस्ट करो, ग्लव्स में इन्वेस्ट करो साथ में। इन ये 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल हैं, इनके बिना आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हो। और प्लीज़ जीन्स पहन के उसके ऊपर नी गार्ड लगा के ये मत सोचो कि आपके पास फुल सेफ्टी है। राइडिंग पैंट्स आर मेड फॉर अ रीज़न, वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल जीन्स पहन के लोग उस पर नी गार्ड लगा लेते हैं,
फर्स्ट टाइमर्स मैंने कितने देखे हैं लद्दाख और स्पिति रीजन में, रॉयल एनफील्ड कहीं से भी हायर करी, उसके बाद जीन्स पहनी हुई है उस पर नी गार्ड लगा लिया, पीछे पिलियन को भी नी गार्ड पहना दिया। आई मीन बहुत ज़्यादा अनसेफ है। मैंने कितने इंसिडेंट सुने हुए हैं, फर्स्ट टाइमर्स गए हैं और लद्दाख में एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरह से छिल गई पूरी बॉडी। सो प्लीज़, आपको अगर मोटरसाइकिल चलानी है, अगर आपको बाइक राइडिंग का शौक़ है, तो ढंग की मोटरसाइकिल गियर में इन्वेस्ट करो। जितने मोटरसाइकिल पे पैसे खर्च करते हो ना, उसके 10-15% राइडिंग गियर में लगाओ। अगर आप 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, तो 15,000 रुपये कम से कम अपनी राइडिंग गियर पे लगाओ अच्छे से। उसमें भी मेरे को लगता है थोड़ा कम पड़ जाएगा, पर अगर आप राइडिंग गियर की बात कर रहे हो, तो 20,000 रुपये में ठीक ठाक राइडिंग गियर आती है। बट आई थिंक दैट इज़ वर्थ इट, जितनी आप रोड पर रिस्क ले रहे हो मोटरसाइकिल चला के। At least you should take care of yourself. There is someone waiting for you at home. So tip number 3 is packing very very light. Why I say that? Because आप कार पे नहीं जा रहे हो जिसमें आपके पास बहुत बड़ा बूट स्पेस है जहाँ पे आप बहुत सारी सामान रख सकते हो। आपको मोटरसाइकिल पे ज़्यादा से आप 2-3 bags रख सकते हो। When I say 3 bags, I mean 2 saddle bags और 1 top box जो पीछे आएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ कैरी नहीं करना चाहते। I am not a big fan of using tank bags, क्योंकि वो आपके हैंडल बार मूवमेंट को हल्का सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मुझे तो उसमें इशू आता है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता। आप अपने सामान को बहुत लिमिटेड रखो। आपकी पंचर रिपेयर किट भी आपको चाहिए, आपको अपने स्पेयर्स भी चाहिए, अपने कपड़े भी चाहिए। सो द बेस्ट टिप ऑफ पैकिंग लाइट इज़ 10 दिन के जितना भी सामान आपको लगता है आपको चाहिए होगा, सारा निकाल लो, अपने बेड पर रखो, उसमें से हाफ हटा दो, फिर देखो आप कितना ले जा सकते हो, और लास्ट उसमें से भी हाफ हटा दो। सो उसमें जो आपके पास जो लास्ट वाला हाफ बचेगा ना, वो असली में आपको सामान चाहिए। सारे टाइम आप राइडिंग गियर में होते हो, तो क्योंकि आपने दिन में 10-12 घंटे बाइक पे ही निकालने, तो आपको बाकी कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट बेयर एसेंशियल्स चाहिए होते हैं। तो वो आप आराम से पैक करो, मिनिमम तरीके से पैक करो, जिसके पास आपके जिसके कारण आपकी मोटरसाइकिल हैवी नहीं होनी चाहिए। हैवी मोटरसाइकिल बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करती है लॉन्ग ट्रिप्स पे। अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है, उस पर सामान बहुत ज़्यादा लगा हो, तो उसको उठाना, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पैक लाइट। एंड द लास्ट थिंग रिलेटेड टू पैकिंग इज, सो लोड ऑल द स्टफ़ ऑन योर मोटरसाइकिल 1 night बिफोर यू स्टार्ट द ट्रिप। अगर आपको कल सुबह ट्रिप स्टार्ट करना है, तो आज रात को ही आपका सारा सामान लग चुका होना चाहिए मोटरसाइकिल पे। ऐसा ना हो कि आप सुबह जाके अपने बैग्स को लोड कर रहे हो। पहले से सामान लगा के मोटरसाइकिल पे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बाइक पे सामान लगा के इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसे चला के देखो, आपको पता होना चाहिए सारा सामान बिल्कुल स्टेबल है, इधर उधर कुछ लूज एंड्स तो नहीं रह गए। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस। एक रात पहले सारा सामान बाइक पे सेट होना चाहिए। सुबह उठना है, बस अपने गियर पहननी है और बाइक पे बैठ के निकलना है। टिप नंबर 4 इज़ प्लानिंग योर रूट प्रॉपरली। आपको जहाँ भी जाना है, आप उसका ढंग से रूट पहले प्लान करो। आपको पता होना चाहिए आपने क्या रूट लेना है जाते समय और आते समय। अनटिल एंड अनलेस समथिंग चेंजेस ऑन द रूट ड्रास्टिकली, कोई इशू हो रूट पे, आपको उसी रूट पे स्टिक करना चाहिए। अपने ब्रेक्स को प्लान करो, आपने कहाँ कहाँ कितनी कितनी देर रुकना है, और ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करो, क्योंकि कई जगहों पर सिग्नल नहीं आते। आप ऊँचे पहाड़ों वाले एरियाज़ में जाते हो, हिमाचल में ऊपर जाते हो, कश्मीर वाली साइड जाते हो, नॉर्थ ईस्ट जाते हो, तो वहाँ पे भी सिग्नल नहीं आते। सो आपको ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो टारगेट्स हैं उनको काफ़ी रियलिस्टिक रखो, क्योंकि ऐसा हम सोच के चलते हैं कि हम दिन में 1000 किलोमीटर कर लेंगे, हर 200-250 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लेंगे। बट मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, और ट्रस्ट मी आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ट्रिप्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ जो फर्स्ट 6 hours होते हैं ट्रिप के, डे के आई शुड से, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में तो बहुत अच्छी माइलेज आएगी। आप 200 किलोमीटर बाद पहला ब्रेक ले रहे हो, फिर अगला ब्रेक भी आप 200 किलोमीटर बाद ले रहे हो, अगर रोड्स अच्छी हैं तो। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, आपकी बॉडी थकने लगती है, आपकी ब्रेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो आपको उसी के हिसाब से अपना रूट और ब्रेक्स प्लान करनी चाहिए। और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहिए कि मेरे को 200 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लेना है, 150 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लेना है। आपकी बॉडी है, नेचुरल है, थकेगी, और आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो एंजॉय करने के लिए। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत करो। स्टार्टिंग में पुट इन दैट इनिशियल फ्यू आवर्स, 6-7 hours, जिसमें आप बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर कर रहे हो अर्ली स्टार्ट लेके। उसके बाद जैसे धूप चढ़ती है, धूप सिर पे लगती है, नींद आना शुरू होती है, लंच करते हैं, अनअवॉइडेबल है, नींद तो आएगी उसके बाद। सो अपनी से एक्सपेक्टेशंस बड़ी रीजनेबल रखो, और अपना रूट और टाइमिंग उसी हिसाब से प्लान करो। जो लोग सोलो नहीं चल रहे, ग्रुप्स में चल रहे हैं, अपने फ्यूल स्टॉप्स को भी सिंक्रोनाइज कर लो, जिससे आपके ब्रेक सारे बिल्कुल सबके एक जैसे हों। एक बंदा अगर फ्यूल अप कर रहा है, तो सारे 3 लोग जा रहे हैं तो 3 लोग फ्यूल अप करें, 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग उसी टाइम उसी पेट्रोल पंप से फ्यूल अप करें, जिससे सबका टैंक फुल हो जाए और उनके ब्रेक्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे उन लोगों को अपनी टैंक रेंज के हिसाब से ब्रेक्स लेने की जरूरत पड़े। द नेक्स्ट टिप फ्रॉम माई साइड
is start as early as possible without, you know, straining yourself. आपको जो start time होना चाहिए वो of course weather पे dependent होता है. बहुत सर्दी में अगर आप निकल रहे हो trip के लिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. अपनी नींद पूरी करके निकलो और 4 बजे निकलना अगर आपको सूट करता है तो ही निकलो. मैंने कई लोगों को देखा है 4 बजे निकलते हैं और ड्राइव ट्रिप के लिए और 9 बजे तक फुल एफर्ट से बाइक चलाते हैं और उसके बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या लंच का टाइम आता है उसके बाद पूरी एनर्जी ख़त्म, नींद आने लगती है और बाइक आगे चल नहीं पाती. सो इसलिए एक ऐसे टाइम पर निकलो जो कम्फर्टेबल हो. बट हाँ, दैट टाइम शुड इनेबल यू टू अवॉइड द अर्बन ट्रैफिक. सो आप अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बैंगलोर, कलकत्ता ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सुबह आप चल रहे हो और वो बाय चांस अगर वर्किंग डे है, मे बी इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग, मे बी इट्स अ थर्सडे मॉर्निंग, तो ऐसे टाइम पे निकलो कि आप ऑफिस जैम में ना फंस जाओ. सो राइट टाइम पे निकलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप सुबह निकल रहे हो अपने घर से, एक और चीज़ विच आई प्रैक्टिस इज़ स्टार्ट विद अ लाइट स्टमक. बहुत ज़्यादा खा के नहीं निकलना चाहिए. ऐसा कुछ ना खाओ जिससे आपको इमीडिएटली बाइक स्टार्ट करते ही आधे घंटे बाद लंबे लंबे ब्रेक्स लेने पड़े. द नेक्स्ट टिप फ्रॉम माई साइड विच माइट साउंड अ लिटिल अनकन्वेंशनल और अ लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर यू गाइस इज आई डोंट बुक अ रूम इन एडवांस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑन माई बाइक. वाई? बिकॉज मोटरसाइकिल ट्रिप्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं कार वाले रोड ट्रिप्स पे. कार रोड ट्रिप्स पे आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी. बाइक में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन आपको फील हो रही है, आपको रुकना पड़ेगा, आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी. बारिश हो रही है, आपको रुकना पड़ेगा, आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी. तो आप यू आर एक्सपोज टू द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर ऑल द टाइम. वही मज़ा है मोटरसाइकिल ट्रिप्स का. बट इन सब चीज़ों से आपकी स्पीड स्लो डाउन होती है. सो दैट इज़ वाई आई डू नॉट वॉन्ट टू बुक रूम्स इन एडवांस बिकॉज मुझे पता नहीं होता कि आगे क्या आना है, किस टाइप की चीज़. किसी भी चीज़ से स्पीड डाउन हो सकती है, हमारी एवरेज स्पीड कम हो जाती है और हमारा जो प्लान होता है फर्स्ट डे का वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है. राइड एज लॉन्ग एज यू फील कम्फर्टेबल राइडिंग विद. सिर्फ एक टारगेट देख के कि मैंने आज रूम बुक कराया है, वहाँ मैंने 5,000 रुपये रात के दे दिए हैं, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए. इसलिए ही मेरे को अननेसेसरली अपने आप को पुश करना है, वो आपको बहुत रिस्क में डालता है ऐसी कंडीशंस. सो इसलिए कूल होके चलाओ, जितना चलता है चलो, जहाँ मिले जगह मिल जाती है. 90% मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर आप वॉक इन कस्टमर हो, अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में चेक इन नहीं करना चाहते, बाकी सारी जगहों पे कहीं ना कहीं आपको जगह मिल जाती है. सो द नेक्स्ट टिप विच आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इज रोड ट्रिप्स ऑन द बाइक दैट यू डू. दीज आर लाइक मैराथॉन्स, दे आर नॉट स्प्रिंट्स. अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आपके पास 1000 cc, 1100 cc, 900 cc, 800 cc टाइप की मोटरसाइकिल है, मतलब ये नहीं है कि आप हाईवे पे, आपको पता है आज मेरे को 1000 किलोमीटर कवर करने हैं तो मैं शुरू से ही 150 की स्पीड पे चलाने लग जाऊँ मोटरसाइकिल, ऐसा नहीं है. इट इज़ मोर लाइक अ मैराथन एज आई सेड. आपको अपने शॉर्ट स्प्रिंट्स प्लान करने हैं जो मैं रूट प्लानिंग की पहले बात कर रहा था, और इसको इंजॉयबल बनाना है. ये नहीं है कि आप फुल टेंशन में चला रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ. आपने स्टार्टिंग के 3-4 घंटे तो बहुत अच्छी बाइक चलाई, उसके बाद आप इतने ड्रेनड आउट हो गए कि आप पूरा दिन नहीं कंप्लीट कर पाए. सो टेक इट ईजी ऑन द रोड. मैंने ऑब्जर्व किया है आप जितना मर्जी तेज चला लो, आपकी जो एवरेज स्पीड अच्छे से अच्छे हाईवे पे भी अबाउट 90-100 के बीच में आती है. और रोड ट्रिप का मज़ा बहुत तेज़ चलाने में नहीं आता. अगर आप सीनरीज और व्यूज़ इन्जॉय करने के लिए रोड ट्रिप कर रहे हो तो उसके लिए जो परफेक्ट स्पीड होती है वो होती है 85, 90, 100. इससे ज़्यादा आपको तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन. तो आसपास जो व्यूज़ होते हैं लंबे रोड ट्रिप पे जाने में, उनको इन्जॉय करने का मज़ा स्लो स्पीड्स पे ही आता है, मैनेजेबल स्पीड्स पे ही आता है. और पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ों में भी आपको वाइंडिंग सेक्शंस दिखते हैं रोड के. कई लोग मैंने देखा है जो स्पोर्ट्स बाइक चला रहे होते हैं, उन्हें लगता है वो रेस ट्रैक मिल गई है, उस पर उधर पूरा लीन करने की कोशिश करते हैं. वो रेस ट्रैक नहीं है, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिस्क है कि आपको बहुत आराम से मोटरसाइकिल को चलाना चाहिए. अपने आप को सेफ रखना इज़ द नंबर वन थिंग ऑन लॉन्ग मोटरसाइकिल ट्रिप्स. सो दोज वर सम टिप्स फ्रॉम माई साइड फॉर लॉन्ग मोटरसाइकिल टूरिंग. अगर आप भी लंबे ट्रिप्स करना चाहते हो, आई थिंक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा हेल्प करेगी. थोड़ा बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया होगा, आई थिंक जो लोग वीडियोज़ देखेंगे कुछ मे बी वो अपने भी कमेंट सेक्शन में अपने कुछ बेस्ट टिप्स मेंशन करना, जिससे जो भी इस वीडियो को देखे उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी कैसे लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करने हैं बाइक पे. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द 23 राइड्स चैनल. टिल द नेक्स्ट वन, हैप्पी राइडिंग.